भाई साहब जी, एक बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पर इंग्लैंड से आ रही है। आपको पता है यार, पांचवा टेस्ट मैच मुकाबला 1 जुलाई से भारत और इंग्लैंड के बीच, लेकिन ऐसे में हमारी टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा COVID-19 पॉजिटिव हो चुके हैं। अब ऐसे में उनको एक खिलाड़ी बैकअप देने गए और रोहित शर्मा डेफिनेटली बाहर है इस टेस्ट मैच से, तो उनकी जगह कौन खेलेगा वो खिलाड़ी पहुंच भी चुका है। साथ में टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन का हाइलाइट्स आपको हमारे यहाँ पर मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करिएगा, आखिरी में आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, उस खिलाड़ी का नाम है मयंक अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छे ओपनर है। IPL में भी उनका ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक टेस्ट खिलाड़ी तो वो है। पहले टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, अच्छा खासा अनुभव है उन्हें टेस्ट मैचेस का। तो ऐसे में मयंक अग्रवाल गए हैं रोहित शर्मा को बैकअप देने, और डेफिनेटली तो ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 हो सकती है। यहाँ पर उनके साथ ओपनिंग जा सकते हैं सुमन गिल और मयंक अग्रवाल, दोनों ओपनर हो सकते हैं। और ऐसे में जो उन्होंने प्रैक्टिस सेशन को भी ज्वाइन कर लिया, खूब सारा पसीना नेट सेशन में बाहे, और जसप्रीत बुमराह ने भी कमाल किया आज यहाँ पर गेंदबाजी करी है भाई साहब जी नेट सेशन में। और मैं आपको बता दूँ, विराट कोहली जिस तरह से उन्होंने लैसेस्टर के खिलाफ जो यहाँ पर अच्छी पारी खेली थी, लग रहा है फॉर्म में, और कोहली का शतक आ सकता है भाई साहब। कमाल की नेट सेशन के अंदर बल्लेबाजी विराट कोहली ने करी, और जेम्स एंडरसन और विराट कोहली के बीच हमें थोड़ी सी कसमकश देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर बार यही चीज़ हमें देखने को पसंद है। ऐसे में जो विराट कोहली खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखने लायक बात होगी कि क्या भारत ये पांचवा टेस्ट मुकाबला जीत सकते हैं। फिर नहीं, ये बता आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जो बताया गया। तो होपफुली वीडियो पसंद होगी, वीडियो पसंद लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस वाले चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।